भारतीय सरकार ने सऊदी अरेबिया को एक डेलीगेशन भेजा जिसको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने लीड किया। इस दो दिन के ऑफिशियल विजिट में डेलीगेशन को एक मौका मिला मुस्लिम पवित्र शहर मदीने को देखने का। नॉन मुस्लिम डिग्निटरीज को ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। नॉन मुस्लिम्स को मदीने में आने की अनुमति है, लेकिन उन्हें प्रोफेट्स मॉस्क या मस्जिद नबी के पूरा अंदर जाने से रोक रखा गया है। स्मृति ईरानी के मुताबिक ये यात्रा भारत और सऊदी अरेबिया के बीच के द्विपक्षीय संबंध को मजबूत बनाने का उद्देश्य रखती है। डेलीगेशन को आने वाले हज यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं में गहरा ज्ञान प्राप्त करने का मकसद था। यात्रा से पहले स्मृति ईरानी ने 7 जनवरी को सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज एन उमरा तौफिक बिन फौजन अलबिया के साथ 2024 बायलेटरल हज अग्रीमेंट को साइन किया। इसे साफ होता है कि दोनों देश हज यात्रा से जुड़ी मामलों में सहयोग में जुटे हैं।